से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बहुत सिर पे ले लिया, तो बच्ची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़के में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की, लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। मस्ती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी, पर प्लीज प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? कैसे समझाऊँ मैं तुमको? मैं ऐसा नहीं कर।
कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो तुम मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ अंदर मुझे बहुत डर है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ मत आ मत आ मत आ, तू बाहर ही मत आ। बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी।
लक्ष्मी हूं, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूं और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूं और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूं अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं, हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यह सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश धोती है बेटियां। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए, बहुत ही अच्छा दिखाइए, तालियां भी दीजिए।
लगती हूँ ना, प्लीज हमें मत मारिए, हमें जीने दे दिए।